अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। महमूद हजामा एक्सपर्ट आपके पास आए क्योंकि आपसे मैंने शुरुआत करी थी हजामा की, तो अपन ने हेयर ट्रीटमेंट किया था, आपका हेयर लॉस के लिए ट्रीटमेंट करा था, तो आज मैं आपका फीडबैक लेने आया हूँ। तो पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या है, क्या करते हैं। मेरा नाम फैजान खान है, मैं एक मोबाइल की शॉप चलाता हूँ। आगे हिजामा मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि बहुत से लोग मुझसे कहते थे कि ना बाल आपके जा रहे हैं, किसी डॉक्टर को दिखाओ, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ। तो मैंने किसी पे विश्वास नहीं किया क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है मेन बात। अब ये मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे महमूद भाई, तो इनने मुझसे एक बार जिक्र किया कि हिजामा करवा के देखो, तो मैंने कहा चलिए देख इंशाल्लाह कोशिश कर। तो मैंने हिजामा करवाया, एक बार करवाया तो उसको मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा। तो उसके बाद मैंने एक और बार करवाया, तो मैंने दो बार करवाया था हिजामा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें रिज़ल्ट आया है, काफ़ी अच्छा लगा उस चीज़ से। क्योंकि डॉक्टरों के दर जाते हैं, पैसा भी फालतू का खर्च होता है, टाइम भी वेस्ट होता है उसमें, लेकिन रिज़ल्ट इतनी जल्दी नहीं आ पाता जितनी जल्दी हिजामा में आया। बेहतरीन, सही बात बोली आपने। तो हिजामा में गंदा खून होता है, वही चीज़ हमने आपकी निकाली थी जिससे हमारा एक सर्कुलेशन बहुत अच्छा हुआ, नया खून बना जो हमारी बालों की जड़ों के लिए बहुत अच्छा हुआ। और हम देख सकते हैं फैजान भाई के बालों पे कि देखिए आप, मतलब इन्होंने सिर्फ दो बार कराया, दो बार में इनका कम से कम 25% में रिजल्ट आया, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये चीज़ होती है। बस फैजान भाई आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के जनरेशन के लिए जो लोग हिजामा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो उनको हिजामा क्यों कराना चाहिए, किस वजह से कराना चाहिए। हिजामा मेन बात तो ये है कि अपने नबी की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजामा करवाया। और दूसरी बात ये है कि हिजामा इसलिए करवाना चाहिए, साल में ज़िंदगी में एक बार इसलिए करवाना चाहिए क्योंकि क्या गंदा खून बनता है इंसान के जिस्म में, वो निकलना ज़रूरी रहता है, वो किसी ज़रिए निकल नहीं पाता, ये हिजामा के ज़रिए ही निकलता है। और इससे काफ़ी बीमारियाँ पैदा होती हैं जो हिजामा करवाने से नहीं हो पाती, चाहे वो बालों के लिए हो या जिस्म की किसी चीज़ के लिए हो, गंदा खून जिस्म में है। अगर वो कराते हैं तो देखिए आप हमारे फैजान भाई सामने खड़े हैं, आज जीते जाते इस चीज़ की मिसाल हैं, जो उन्होंने खुद हेयर ट्रीटमेंट करवाया वो भी हिजामा से, तो आज इनके आप बाल देख सकते हैं। और खुद भाई फिर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिजामा से कितना फ़ायदा हो। तो फैजान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई थोड़ा सा वक्त देने के लिए और हमारा कीमती वक्त लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।